हमारा जो पिछला एक बेयर मार्केट था उसमें सबसे बड़े स्कैम्स में से एक लूना कॉइन और इसी के साथ साथ FTX एक्सचेंज रहा था। तो FTX का भी आपको शायद पता होगा कि इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा ऊपर गई थी बुल मार्केट में। तो बुल मार्केट में इसकी हमने वैल्यू लगभग $85 के आसपास देखी थी, लेकिन सडनली यहाँ पे एक इतना बड़ा ड्रॉप आया क्योंकि इसका स्कैम सामने आ चुका था और इसकी वैल्यू लगभग $0.7 यानी कि $1 से भी नीचे जा गिरी थी और अभी भी ये वैल्यू $1-2 के आसपास ही रहती है, जो कि पिछले एक साल के अंदर लगभग $6 तक भी गई है। और यहाँ पे अभी एक इतनी बड़ी न्यूज़ आई है जिससे क्या कि इसकी वैल्यू यहाँ से 10 से लेकर इवन 100x तक भी जा सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये कि अभी FTX ने प्रपोजल खुद दी है कि वो पैसा वापस करने वाले हैं क्रेडिटर्स को। जी फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ी अपडेट आई है जिसकी वजह से ऑलरेडी FTX का जो प्राइस है 30-40% से बढ़ चुका है और इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। लगभग 150% से भी ज़्यादा इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ चुका है। मार्केट कैप भी 30-40% से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है अभी FTX की, जो कि हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉचवुड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और वहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक गिव अवे डाला हुआ है जिसमें 60 यूजर्स को चुना जाएगा जो कि हमारी वॉल्फ्रेड कम्युनिटी में से होने वाले हैं। तो आपको साइन अप करके अपनी जो यूआईडी है वो रिप्लाई कर देनी है वॉल्फ्रेड ऑफिशियल के ऊपर ही, और आप अगर $10 या फिर उससे ज़्यादा का ट्रेड लेते हो 12 मई से पहले पहले तो आप एलिजिबल हो जाओगे। तो यहाँ पे 2-3 स्टेप्स हैं, बहुत ही इजी स्टेप हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो अवार्ड मिलने वाला है वो बहुत ही बड़ा मिलने वाला है। तो रेगुलर बेसिस पर बिटमार्ट के जो गिवअवेज है मैं देता रहता हूँ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अभी से साइनअप कर लो। अभी हम मेन बात पे आते हैं। तो BTC आप देख सकते हैं लगभग $62,000-63,000 के आसपास चल रहा है, इथेरियम $3,000 के आसपास चल रहा है, यानी कि मार्केट ओवरऑल गुड चल रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं चल रही। जो वॉल्टिलिटी है बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स देखते तो 50 के आसपास चल रहा है, यानी कि न्यूट्रल ही चल रहा है, कोई ग्रीड अभी इस वक्त नहीं दिख रहा, जो कि ग्रीड हमने 90 के आसपास या फिर 90 से भी ज़्यादा देखा था अभी कुछ दिनों पहले। तो एक्चुअल में जो हाइप बनी हुई थी बिटकॉइन हाविंग की वजह से वो हाइप अभी काम डाउन हो चुकी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स जो पहले डेड हो चुके थे वो अभी रिवाइव होना शुरू हो चुके हैं। इससे पहले मैंने आपको लूना के भी कई सारे अपडेट दी थी, सिमिलरली आज हम बात करने वाले FTX के बारे में। तो FTX का जो टोकन है ये FTT के नाम से है, तो FTT की वैल्यू अभी करंटली $2 के आसपास चल रही है, जो कि पहले लगभग $1 के आसपास ही थी लगभग एक हफ्ता पहले। तो अभी ये सडन इंक्रीज़ आया है और इसके इंक्रीज़ के पीछे जो अपडेट है वो मैं आपके साथ पूरा डिटेल में शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि आपके पास भी हो सकता है कुछ FTTs पड़े हों, FTTs आपने उस वक्त बाय किए होंगे या फिर प्राइस नीचे गिरने की वजह से आपको समझ नहीं आया होगा कि सेल कर देना चाहिए या नहीं, तो उसी तरीके से आपके पास अभी भी पड़े होंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैंने आपको सजेस्ट किया हो बेयर मार्केट में कि इनको और भी ज़्यादा बाय करने का, तो हो सकता है कि आपने बाय किया तो अभी उनके ऊपर प्रॉफिट अर्न करने का मौका आ चुका है। तो FTX अभी देख रहा है कि जो टोटल वैल्यू इनकी प्रॉपर्टी की बन रही है जो कलेक्ट करी गई है उसको दो हिस्सों में बांटा गया है, जो कैश में कन्वर्ट किया गया ये $14-15 बिलियन के आसपास बन रहा है और जो अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये $16 बिलियन से भी ज़्यादा बन रहा है। तो अगर बैंक्रप्टसी कोर्ट अप्रूव कर देता है तो जो 98% FTX के क्रेडिटर्स हैं उनको लगभग 118% क्लेम मिलने वाला है, जो कि 60 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा जैसे ही प्लान इफेक्टिव होने वाला है। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। इस तरीके से जो क्रेडिटर्स हैं उनको तो पैसा मिलेगा मिलेगा, FTX भी फिर से एक्सचेंज वापस आ सकता है। अब एक्सचेंज वापस आने के साथ साथ FTT के ऊपर भी बहुत अच्छा हमें इंप्रेशन दिखेगा, जो ऑलरेडी हम देख भी पा रहे हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे आपने नोटिस करी होगी कि ये 100% नहीं दे रहे अमाउंट, ये उसी के साथ 18% एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ये कंपनसेशन भी देने वाले हैं। तो एक्चुअल में अगर आपको नहीं पता था 2022 में ये क्लैप्स हुआ था, यानी कि 2022 में जो FTX एक्सचेंज था एकदम से बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, लेकिन एक स्टेटमेंट यही सामने आई है कि ये बहुत ही जल्द फाइनलाइज होने वाला है। इन्होंने बोला कि सब्जेक्ट टू बीइंग फाइनलाइज्ड एंड अप्रूव्ड बाय डेलावेयर बैंक्रप्टसी कोर्ट, यानी कि पॉसिबिलिटी पूरी बन रही है कि जल्द ही होने वाला है। और एक चीज़ नोटिस कर लेना कि जो $50,000 से नीचे वाले जो क्रेडिटर्स हैं उनको 118% रिकवरी मिलने वाली है, और 100 में से लगभग 98% जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको पेमेंट मिलने वाली है। जो नॉन गवर्नमेंट क्रेडिटर्स होने वाले उनको 100% के साथ साथ 9% इंटरेस्ट भी मिलेगा। हालांकि अपडेट आने के बाद बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि ये कोई बहुत ही फेयर तरीका नहीं है, यानी कि ये बहुत ही कम अमाउंट है जो एक्चुअल में मिलना चाहिए था, क्योंकि ये 2022 की बात है और उसके बाद आज ये 2024 में बात कर रहे हैं कि कितना अमाउंट देने वाले हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो लॉस ओवरऑल हुआ है वो बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है क्रेडिटर्स का। तो उस वक्त $32 बिलियन की क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज थी जो कि एकदम से सडनली कोलैप्स हो गई थी।
और बहुत लंबे समय से ट्राई भी कर रहे हैं कि FTX एक्सचेंज को वापस लाने का, कि अगर FTX एक्सचेंज वापस आ जाता है तो इसके ऊपर ट्रेडिंग भी फिर से चालू हो जाएगी एंड FTT कॉइन में भी हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, जो अभी चल रहा है 2% के आसपास। पिछले 7 दिन के अंदर 60% से भी ज़्यादा इसने प्रॉफिट दिया है एंड मैं इजीली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये $10 तक बहुत ही ईजिली चला जाएगा, क्योंकि अगर ऐसी अपडेट आती है और जैसे ही ये प्लान फाइनल हो जाएगा, प्लान फाइनल होने के साथ साथ हमें एक बहुत बड़ा मूव दिखने वाला है FTT में और FTX एक्सचेंज को रिवाइव भी किया जाएगा। तो अगर आपके पास भी FTT पड़े हैं, कितने पड़े हैं नीचे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको किसी और प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।